भले पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप का पहला मैच हार गया, मगर शाहीनों ने दुनियाई क्रिकेट के दिल जीत लिए। लो टोटल को भी डिफेंड करना, वो भी दुनिया की इंतहाई स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड के खिलाफ। कोई पाकिस्तान से सीखे, शाहीन शाह अफरीदी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर की ना होने की वजह से पहला ओवर नसीम शाह से करवाया। जी हाँ, वही नसीम शाह जो खुद अपना पहला T20 खेल रहे थे, मगर वो भी तो शाहीन की तरह शाह ही है, यानी बादशाह। और बादशाह कब हार मानते हैं भला। नसीम इंजर्ड थे, दर्द से कराह रहे थे, चीख रहे थे, मगर हिम्मत थी कि हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंची। और तो और, इस पहले मैच में ही खुद इंडियंस भी नसीम के दीवाने हो गए। यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये सुन ले। पाकिस्तान में नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन था, बहुत मजा आया था उनको देखकर। आई होप नसीम शाह की जो आज डेब्यू हुई है ना, आपका अभी सेंसा प्रति नहीं खेल रहा है। जब दोनों ये खेलेंगे तो इनके ऑपोजिट जो भी टीम होगी वो अच्छी से तैयारी कर कर आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेयर होने वाला है, स्ट्रॉन्ग पेयर होने वाला है। अगर हमारी तरफ से नसीम ने मैच में जान डाली तो हमसायों के हार्दिक पांड्या भी हार नहीं मान रहे थे और मैच जीत कर ही मैदान से बाहर गए। लेकिन इस मैच में हमारे कप्तान की भी एक गलती शामिल थी जो हमें बहुत नुकसान दे गई। आखिर वो गलती क्या थी और पाकिस्तान की हार की बड़ी वजह क्या थी, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जो आपके लिए जानना बड़ा ही जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान मैच तो हार चुका, ये सबको पता है, मगर असल में मैच पाकिस्तान तब हार गया था जब बाबर आजम टॉस हारे थे और मैच के स्टार्ट से ही बैटिंग लड़खड़ाना शुरू हो गई। कप्तान बाबर आजम इस बार ना चल सके और 10 रन बनाकर शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। अच्छा, इस मैच में शॉर्ट बॉल्स की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको थोड़ा आगे चलकर बताएंगे। बाबर के बाद फखर भी 2 चौके मारने के बाद शॉर्ट बॉल पर ही चलते बने। फिर मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद ने भी 22 बॉल्स पर 28 रन बनाए और वो भी शॉर्ट बॉल पर ही आउट हुए। अब एक एक करके क्या गिनवाया जाए, साफ बात ये है कि ना खुश दिल का बल्ला चला, ना शादाब और ना ही आसिफ अली का। जी हाँ, वही आसिफ अली जो प्रैक्टिस में 150 छक्के मारने का दावा कर रहे थे, पूरे 150 छक्के। इसलिए तो फैंस सवाल पूछते रहे कि भाई कहाँ है वो छक्के, जब जरूरत थी तो उन छक्कों की हवा निकल गई। कहाँ है हमारा मिडिल ऑर्डर जो एक जमाने में पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था। सिर्फ बाबर और रिजवान कब तक आपको मैच जितवाएंगे। इंडिया के खिलाफ ज्यादातर बैटर शॉर्ट बॉल पर आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट बॉल्स पर ही अपनी विकेट्स निकाली हैं। मतलब शॉर्ट बॉल्स देकर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए, जो कि बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के लिए एक सबक है। क्या उन्होंने आज तक बैटर्स को शॉर्ट बॉल खेलना ही नहीं सिखाया। खैर, पाकिस्तानी बैटर्स तो जल्दी हिम्मत हारने लगे थे, मगर शाहनवाज धानी ने आखिर में आकर जो इंडियन बॉलर्स को धोया, ओहो, और जो छक्के लगाए उसने मजा करा दिया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी बैटर्स तो शॉर्ट बॉल पर आउट होते गए और धानी ने छक्के जड़े शॉर्ट बॉल्स पर। वो धानी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर धानी आखिरी ओवर के सेकंड लास्ट बॉल पर आउट हुए और ये पाकिस्तान ने इंडिया को जीत के लिए 148 रन का टारगेट दिया। फिर इंडियन टीम की बारी आई तो कप्तान बाबर ने अपना पहला मैच खेलने वाले नसीम शाह को ही पहला ओवर दिया। नसीम भी शाह, शाहीन भी शाह, ऊपर से दोनों पठान। उम्मीद यही थी कि नसीम भी शाहीन की तरह पहले ही ओवर में विकेट लेंगे और वही हुआ। नसीम ने ऐसी कमाल गेंद फेंकी कि केएल राहुल की किलियां दूर जाकर गिरी। फिर कोहली आए, वो भी नसीम की घूमती गेंद के सामने घूम गए, मगर फखर जमान ने आसान कैच ड्रॉप कर दिया। यूं दुनिया के बेस्ट बैटर कोहली को सिफर पर आउट करने का नसीम का ख्वाब पूरा ना हो सका। पूरे मैच में फील्डिंग ऐसी थी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कैच ड्रॉप के बाद तो कोहली और शर्मा खड़े हुए और पूरे 49 रन की पार्टनरशिप जड़ दी। और तो और, सबसे ज्यादा नुकसान ये स्लो ओवर रेट के नए कानून ने पाकिस्तान को दिया। कप्तान बाबर अपने टाइम पर मुकर्रर ओवर्स ना करवा सके, जिसकी वजह से आखिरी 3 ओवर्स के लिए पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल के अंदर लाना पड़ गया। मगर अगर कोई चीज देखने वाली थी मैच में तो वो नसीम शाह थे। नसीम को बॉलिंग के दौरान क्रैम्प्स पड़े, दर्द ऐसा कि चलना महाल था। दर्द से बिलबिलाते नसीम ने हिम्मत करके आखिरी ओवर भी करा दिया, मगर नसीम की हिम्मत और हौसला देखकर इंडियन भी उनके दीवाने हो गए। आखिरी 2 ओवर्स में इंडिया को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। मैच इतना फंस चुका था कि इंडियन भी दुआएं कर रहे थे, एक मिलेगा कि भगवान इस बार जितवा दो, अगली बार तैयारी करके आएंगे। इनाम नामी सारिफ ने लिखा कि अगर पाकिस्तान जीता तो वो दिल लगाकर पढ़ाई करेगा, मगर दुआएं इंडियन की रंग ले आई, क्योंकि 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने हारिस सरूफ की खूब धुलाई की। आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को दिया गया और रन चाहिए थे सिर्फ 7, और नवाज ने पहली ही गेंद पर जडेजा को चलता किया, मगर हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर
इंडिया को जितवा दिया। क्रिकेट फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। दोस्तों, आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच कैसे एंजॉय किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या थी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।